हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर इन मॉरल एजुकेशन. नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द थ्री फ्रेंड्स. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी. लेट्स गेट स्टार्टेड. वंस अ डियर, अ टर्टल एंड अ वुड पैकर वर फ्रेंड्स. दे लिव्ड नियर बाय एंड एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी अलॉट. दे यूज टू मीट एवरी इवनिंग. एक बार की बात है, एक डियर, टर्टल और वुड पैकर फ्रेंड्स थे और वो एक साथ ही एक फॉरेस्ट में रहते थे और उन्हें एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद थी. कंपनी मतलब वो एक दूसरे के साथ रहना बहुत ही पसंद करते थे. दे यूज्ड टू मीट एवरी इवनिंग और वो तीनों हर शाम मिलते थे. वन डे A hunter set a trap in the jungle and the deer was caught in it. एक बार क्या हुआ, एक hunter ने एक trap बिछाया, यानी एक जाल बिछाया, और जंगल में एक जाल बिछाया और जो deer था यानी जो हिरन था वो उस trap में फंस गया. When the deer did not reach their daily evening meeting, the woodpecker and the turtle got worried. तो जब वो जाल में फंस गया deer, तो शाम में वो मिलने भी नहीं गया अपने फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड्स यानी वुड पैकर और टर्टल से मिलने भी नहीं गया. तो वुड पैकर और टर्टल को बहुत ज़्यादा फिक्र हुई. आफ्टर वेटिंग फॉर सम टाइम दे डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर हिम. तो उन्होंने, वुड पैकर और टर्टल ने थोड़ी देर वेट किया और उसके बाद सोचा कि चलो चलकर देखते हैं डियर कहाँ चला गया. After searching the jungle, the turtle and the woodpecker found the deer caught in a trap. सारे जंगल में ढूंढने के बाद उन्होंने देखा, turtle और woodpecker ने देखा कि जो deer है वो एक जाल में फंसा हुआ है. Seeing the deer, the friends made a plan to rescue him. तो उन दोनों ने देखा कि हमारा जो friend है वो तो फंस चुका है, तो उन्होंने एक plan बनाया टू रेस्क्यू हिम, यानी रेस्क्यू मतलब बचाने का, कि हम अपने फ्रेंड को कैसे बचाएं, एक प्लान बनाया. द वुड पैकर सेड, टर्टल यू कट थ्रो द ट्रैप एंड आई विल डिले द हंटर एज मच एज पॉसिबल. द टर्टल एग्री, ही सेट आउट टू कट थ्रो द ट्रैप. तो वुड पैकर ने कहा, टर्टल तुम जो हो ट्रैप को काटो और मैं जो हंटर है उसके यहाँ पहुँचने में डिले करता हूँ, यानी कि मैं हंटर को किसी तरीके से रोकता हूँ और तुम जो है इस जाल को काटो. टर्टल एग्री हो गया तो, और उसने, ही सेट आउट टू कट थ्रो द ट्रैप, और उसने जाल को काटना शुरू किया. अकॉर्डिंग टू प्लान द वुड पैकर फ्ल्यू टू द हंटर्स हट एंड पर्च्ड आउटसाइड हिज हाउस इन अ ट्री. तो प्लान के अकॉर्डिंग वुड पैकर उड़कर गया हंटर की हट के बाहर और उसने उसके हंटर के हाउस के बाहर जो ट्री था उसमें पर्च किया, यानी उसमें चोचे मारना शुरू की. व्हेन द हंटर अपीयर्ड द वुड पैकर फ्लैप्ड हिज विंग्स इन द हंटर्स फेस. वुड पैकर का शोर सुनकर जब हंटर बाहर आया अपने हट से, तो वुड पैकर ने अपने विंग्स से उसके फेस पर फ्लैप, यानी अपने पंख उसके चेहरे पर जोर जोर से फड़फड़ाए. द हंटर टेकन अबैक बाय सडन अपीयरेंस ऑफ द बर्ड went back to his hut. तो हंटर एकदम से उस birds के, बर्ड यानी कि वुड पैकर की बात हो रही है, तो वो हंटर जो है उस बर्ड के अटैक से एकदम घबरा गया और अपने हट में, अपने घर में वापस चला गया. He decided to wait a while and then go to the trap. तो उसने सोचा मैं थोड़ी देर अब रिलैक्स करता हूँ और उसके बाद जाकर जो जाल मैंने बिछाया था उसे देखूँगा. After some time, when the hunter appeared again, the woodpecker flapped his wings again in the hunter's face. कुछ time के बाद जब hunter बाहर आया, तो woodpecker ने फिर से अपने wings से hunter के face पर attack किया. The hunter again went to lie down, और hunter इस बार भी नीचे गिर गया. The third